नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन द टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं साइकोलॉजी से जुड़ी एक ट्रिक, जिस ट्रिक में का ये है अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादक। यानी इस दोस्तों होता क्या है कि जब आप अधिगम सिद्धांतों को याद करते हैं तो अक्सर उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत जो है किसका है। तो आप इस ट्रिक की मदद से जो है अच्छे से याद कर पाएंगे और आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, ऊपर लिखेंगे हम अनुक्रिया का पुनः अंत करो उद्दीपन से, अनुक्रिया का पुनः अंत करो उद्दीपन से। तो नीचे लिखेंगे दोस्तों पास्क हल को थम्सअप पिलाओ। यानी आपको दो सेंटेंस याद रखने हैं क्या, कि पहला अनुक्रिया का अंत करो, अनुक्रिया का पुनः अंत करो उद्दीपन से, और दूसरा पास्क हल को थम्सअप पिलाओ। बस आपको ये दोस्तों ये दो सेंटेंस याद रखने हैं और इसकी मदद से आप जो है अपने प्रमुख जो सिद्धांत हैं अधिगम के उनके आप प्रतिपादकों को याद कर रख सकेंगे। देखिए जैसे अनुक्रिया है यहाँ, तो दोस्तों अनुक्रिया में अनु को देखें तो अनु से बनता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और इसके सामने आता है नीचे पास्क हल का पा, तो पा से होता है पावलाओ। तो यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है दोस्तों वो किसने दिया है, पावलाओ ने। नेक्स्ट क्रिया से बनता है यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो ये सिद्धांत के सामने आता है स्क, पास्कल का स्क आता है स्क। तो यानी इसकी जो इसके जो प्रतिपादक हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के वो हैं स्किनर। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं पुनः की तरफ, तो पुनः से आपको मिलेगा पुनर्बलन का सिद्धांत, और इसके सामने आता है हल, तो ये किसका है, हल का, यानी मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, हल। नेक्स्ट अंत, अंत से आता है दोस्तों अंत है दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो दोस्तों इसके सामने आता है को, तो फिर ये कोहलर का है, ठीक है, गेस्टाल्टवादी जो थे कोहलर उनका। नेक्स्ट आता है दोस्तों उद्दीपन, उद्दीपन से बनता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और उसके ठीक नीचे हम देखेंगे थम्स अप, तो थम्स अप के थम से बनता है यहाँ पे थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये प्रमुख जो पांच सिद्धांत हैं इनके प्रतिपादक याद रखने में बहुत आसानी होगी। और ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो दोस्तों आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद।